30 नवंबर को गुम है किसी के प्यार में फेम एक्टर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की शादी हो रही है। दोनों की शादी से जुड़ी तमाम खबरें इस वक्त टीवी पर खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। आपको बता दें कि नील और ऐश्वर्या टीवी के उन कपल्स में से एक हैं जिन्होंने कुछ वक्त एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया। बेशक दोनों को जल्द ही पहली नजर का प्यार हुआ और झट रोका पर ब्याह वाली बात हुई, लेकिन दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। जी हाँ, अपनी लव स्टोरी का खुलासा खुद नील ने कुछ महीने पहले ही एक पोर्टल के साथ किया था। आपको बता दें कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा स्टारर गुम है किसी के प्यार में शो 5 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था और उसी शो की शूटिंग के दौरान नील और ऐश्वर्या एक दूसरे के करीब आए थे। बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नील ने अपनी प्रेम कहानी का खुलासा करते हुए बताया, हम सितंबर 2020 में एक साथ शूटिंग कर रहे थे, हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था और फिर हम दोस्त बन गए। हमारी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। हम शुरुआत से ही अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस थे, एक लंबे समय तक का रिलेशन चाहते थे, ये कभी कम समय के लिए नहीं था। नील भट्ट बताते हैं कि हमने एक दूसरे को कभी डेट पर ले जाने के लिए नहीं पूछा, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि हमारे बीच कुछ तो है, लेकिन हम चाहते थे कि इसे लेकर हम सीरियस हो, बजाय ये बोलने के कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो या सोचती हो। सोच ये थी कि हम चीजों को आगे कैसे लेकर जाएं। वहीं जब नील भट्ट से पूछा गया कि ऐश्वर्या शर्मा की किस क्वालिटी पर वो फिदा हुए, तो वो कहते हैं, वो काम को लेकर समर्पित है पर साथ ही बहुत मस्ती भी करती है। मैं भी कुछ इसी तरह का इंसान हूँ, मैं पागलपन भी करता हूँ और साथ ही काम को लेकर फोकस्ड भी हूँ। हमारी दोनों की एक जैसी आदतें हैं, हम दोनों ही डांसर हैं और डांस करना बहुत पसंद है। वैसे भी ये सब तालमेल, प्यार और दोनों के बीच आपसी समझ की बात है और यही सब प्यार है। वहीं नील भट्ट ने आगे ये भी कहा कि वो और ऐश्वर्या घंटों तक किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं और यही उनके रिलेशनशिप की खूबी है। नील कहते हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि हम काम को लेकर बात नहीं करते, रोज सेट पर हम साथ में काम करते हैं तो उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल और फ्री महसूस करते हैं। हमारी बातें इन बातों से परे हैं, जैसे आज क्या सीन है, कब फ्री होगे, कहाँ जाना है, हम बाहर ना भी जाएं तो भी सही है, बस काउच पर बैठे बातें भी करते रहें तो भी मजा आता है। गुड लुक्स हमेशा कायम नहीं रहती, लेकिन अच्छी बातें हमेशा रहती हैं। दिल साफ है कि नील को ऐश्वर्या में अपने जैसे ही सारी क्वालिटी नजर आई और यही वजह है कि शो में इन दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में तब्दील हो गई और अब दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।